नसीराबाद बार एसोसिएशन के आगामी 25 फरवरी को होने वाले चुनाव में आज नामांकन वापसी के बाद अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें राजेश सुकरिया, सुखदेव चौधरी, फारूक खत्री प्रत्याशी हैं और उपाध्यक्ष पद पर श्रवण सिंह, कमलेश गुर्जर, सचिव पद पर आशीष कुमार अजमेरा, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव पद पर गोर्धन लाल गुर्जर, सुदर्शन सिंह, परमेश्वर सिंह। इन पदों पर 25 फरवरी को चुनाव होने हैं और कोषाध्यक्ष पद पर तारिक सुहेल निर्विरोध, पुस्तकालय अध्यक्ष पर रमेश सिंह रावत निर्विरोध चुने गए हैं। कार्यकारिणी सदस्य में वसीम, दीपेंद्र सिंह गुर्जर, अभिषेक जैन, राजेश गुमा ये निर्विरोध हुए हैं। नसीराबाद के अधिवक्ताओं ने जिस तरह से हमारे पर विश्वास जताते हुए हमें निर्विरोध निर्वाचित किया है, इसी के लिए हम सबसे पहले अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। एक हमारा मेन मुद्दा है लोकल बार का, कोई अभी तक वेलफेयर नहीं है जिससे कि बार फंड भी एकत्रित नहीं हो पाता, तो एक लोकल बार का लोकल वेलफेयर लागू करेंगे और वो पावर में बाकायदा न्यायालयों के अंदर एक सर्कुलर जारी होगा हमारे बार कार्यकारिणी की तरफ से। बिना लोकल वेलफेयर के कोई भी पावर्स वकालतनामा है इसमें न्यायालय नहीं लेगा। तो लोकल वेलफेयर एक बार का बहुत बड़ा फंड है और उसके बाद भी ये जो कैंटीन वगैरह हैं, इनकी ये जो बार फंड का नुकसान होता है, उन सबको सुचारू रूप से कराते हुए चालू करेंगे और बार का और वकीलों के हित में पूरा प्रयास किया जाएगा।